पिछले कुछ दिनों में सागर शहर में कुछ ऐसी वारदात हो रही थी जिसके कारण हम लोग बहुत ही सतर्क भी हो रहे थे और उस पर बहुत चिंता भी कर रहे थे। यह 27 तारीख से इस प्रकार की एक घटना घटित होना स्टार्ट हुआ था और लगातार एक के बाद एक तीन चार दिनों में तीन मर्डर हुए जो सागर शहर में ही अलग अलग थाना क्षेत्र में हुआ था। और ये सभी मर्डर जो है उनकी तरीकाए वारदात जो है वो एक जैसी इतनी बड़ी घटना। ये घटना सिर्फ सागर जिले तक सीमित नहीं रह के एक नेशनल न्यूज बन गया। अगर ये भोपाल में घटना नहीं भी करता तो एक तरह से एक सीरियल किलर के रूप में ये प्रोजेक्ट किया जा चुका था ऑलरेडी मीडिया को। तो ये नेशनल लेवल पे ये न्यूज था और नेशनल लेवल के जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी पत्रिकाएं पेपर हैं उसमें भी ये आ रहा है। तो हम लोग तो इसमें लगे हुए थे और हम लोग को संतोष सिर्फ इतना है कि इसको पकड़ लेने के बाद आगे यह घटना घटित नहीं होगी। हमारे एसपी तरुण नायक के निर्देशन में पूरी टीम एडिशनल एसपी एसडीओपी सीएसपी और साइबर की टीम रात दिन एक करते हुए ये इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया जिसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है और इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको डिटेक्ट किया है। हम इस पूरी टीम को एसपी तरुण नायक को और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत